नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और एक बड़ी दुखद घटना है, मथुरा रोड पर एरिना मोटर्स के नाम से मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर है, जहां कल रात गेट गिरने से, सर्विस सेंटर का गेट गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जानेंगे, उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, हम उनके घर पर पहुंचे हैं यहाँ, और उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम आपका? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श जी, क्या हुआ? कल रात को फादर यहाँ से निकले थे लंच करके, और करीब 10 बजे के आसपास। उसके बाद सुबह फिर हमें फ़ोन आया मेरे ताऊ जी को कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया है। फिर मैं भी पहुँचा वहाँ पे, तो मौके पे वो दबे हुए थे और गेट साइड में करा हुआ था, और वो साइड में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब क्या नाम था पिताजी? अखिल आनंद प्रसाद। कितनी उम्र होगी? 59। 59। कहाँ काम करते थे? अरीना मोटर्स कंपनी, जो मथुरा रोड। हाँ जी, ये गाड़ी का शोरूम है, सर्विस सेंटर है। हाँ जी, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में थे। यस सर। कौन सी सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी 5 फोर्स नाम से है। 5 फोर्स। और वो क्या, ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी है जिसमें कि 24 घंटे 36 घंटे भी जॉब कराया जाता है अननेसेसरी प्रेशर डाल के। ये भी कहीं ना कहीं एक रीजन होता है कि कोई अगर कमी होती है, किसी सिक्योरिटी की कमी है, तो वो मतलब एक ही बंदे से कराते रहते हैं। वो है, वो भी है कहीं ना कहीं, और इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। और बाकी जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसमें दिखाई दिया 12 बजे के आसपास गेट गिरा है, एक गाड़ी एंट्री एग्जिट हुई है, उसके बाद फिर गेट उन्होंने जब लॉक करा, जब बंद करा आगे की तरफ, तो वहां पे ना कोई स्टॉपर था ना कोई सपोर्ट था जो कि गेट को रोक पाता। वो करीब 10 क्विंटल का गेट है, और वो सीधा का सीधा उनके ऊपर आ गया, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई इस वजह से जी। और वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं था उस वक्त, और कोई था भी तो वो फिर बाद में आया 4 घंटे बाद। जब 4 घंटे बाद आया इतने में तो कोई, अच्छा तो वहाँ अकेले थे उस समय? उस टाइम वो अकेले थे, और कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था? सिक्योरिटी वाला था, लेकिन वो दूसरे आगे दूसरे ऑफिस में था। अच्छा, तो वहाँ वो शायद सो रहा था, क्योंकि बताया मैंने 24 घंटे 36 घंटे। हाँ, बिल्कुल करते हैं। अगर वो शायद टाइम पे रहता तो हो सकता था कि आज मेरे फादर की जान बच जाती। तो ये क्या लगता है जी, इसमें क्या कंपनी का सर ये है, जैसा मैंने अभी बताया कि जो गेट है वहाँ का, जो भारी भरकम गेट है, उस गेट पे कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट नहीं होने की वजह से वो पूरा गेट लॉक होने के बाद वो उनके ऊपर आके गिरा। इसमें पूरे का पूरा गलती अरीना मोटर्स कंपनी वालों की है, जिनको कि अपने सिक्योर मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए, गेट पे ध्यान देना चाहिए, और भी जो सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए इसके लिए, उन्होंने जो कि ऐसा कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये दुर्घटना हो गई। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि पहले भी ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होगा, होगा पता, लेकिन नेगलिजेंसी का साफ साफ दिखाई देता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आज ये दुखद घटना हुई है। क्योंकि अगर उसके कोई सपोर्ट होती, या जो वो ज्यादा बड़े जो भारी गेट होते हैं उनके नीचे वो पहिए से लगे होते हैं, उनसे भी खुलते हैं, तो उससे भी सपोर्ट रहती है। लेकिन दीवार भी ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी या वैसी दीवार नहीं है। बिल्कुल, वो एक तरफ से अंदर की तरफ से वो डाउन है, स्लैंट हाइट है, तो पूरा का पूरा लोड वो पीछे की तरफ नहीं गिर के अंदर की तरफ ही आया। वो डिजाइन ही कुछ ऐसा करा, एक तो सबसे बड़ी गलती वही है, बाकी इसमें सपोर्ट नहीं है, उससे बड़ी गलती वो है। अगर पीछे की तरफ को गिरता तो शायद गिरता तो शायद बचने के चांसेस थे उसमें। तो ये यहाँ कितने समय से काम कर रहे थे? 3 साल से प्लस हो गया था इनको। 3 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी। तो अब वो सिक्योरिटी वाले क्या कह रहे हैं? सिक्योरिटी वाले कुछ नहीं करेंगे, सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। वो सिर्फ उनके पास तो यहाँ तक कि इंश्योरेंस का भी कुछ है नहीं क्लेम जो कि कर सके। वो अपना साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं करेंगे। एक तो सिक्योरिटी वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, और दूसरा उससे ज्यादा अरीना मोटर्स कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, और वो हमें मुंह मांगी राशि अगर दें तो ठीक है, नहीं तो हमने FIR लॉन्च कर दिया। तो ये क्या कह रहे थे अरीना वाले? क्या कह रहे थे अरीना वाले? कह रहे थे कि आपको 2 साल की सैलरी वगैरह देंगे, बट हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारा इतना बड़ा लॉस हुआ है, जो कि इन छोटी सी रकम से हमारा कुछ नहीं होना जाना। बिल्कुल। और बहुत छोटी जी। और कंप्लेंट करा दी है? हाँ जी, हमने कंप्लेंट लॉन्च करा दी है।
कंपनी का खिलाफ। अभी पोस्टमार्टम हुआ? आज पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कल पोस्टमार्टम करेंगे, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और फिर बॉडी लाई जाएगी यहाँ पे। और हमारे साथ भाई है, क्या नाम है? मेरा नाम लखनदेव पंडित है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। तो कैसे पता लगा आपको? हम जब सुबह घर में थे 5:30 बजे मैं जगा हुआ था, अपने ब्रश वगैरह कर रहा था, उसमें फोन आया, मेरे पास फोन आया, बोलते आप अखिलानंद के भाई बोल रहे हैं? मैं बोला कि हाँ, बोलिए क्या है? मतलब चोट लगने से मौत हो गई उनकी। फोन किसने किया था? नाम तो मैं नहीं पूछा उससे। मतलब उनके साथ का कोई सिक्योरिटी वाला ही था? साथ के सिक्योरिटी कंपनी वाला ही था, नाम तो उसमें नहीं पूछा। तो बोले कि आपका भाई का डेथ हो गया, चोट लग गया, इतने बोला चोट लग गया, जिससे इन्हें बोला कि गेट गिराया जाए। अच्छा, हाँ चोट लग गया। तो जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा, किस हालत में, कैसे देखा? हमने देखा गेट गिरा हुआ है और गेट तो खैर उनके बॉडी से निकाला गया था, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे घंटे के बाद, लेकिन हाँ गेट हटा दिया, शायद ये लोग गए थे तो गेट हटाया होगा ना बबलू, गेट हटा हुआ था और वो ऐसे लेटे हुए थे, बॉडी डेड बॉडी ऐसी। और कंपनी का कोई नहीं आ रखा था? कंपनी का वहाँ पे उस समय कोई नहीं था, पुलिस वाला था, पुलिस वाला आया था, वो अपना रिपोर्ट ले रहा था, पूछ रहा था हम लोग। तो आप देख सकते हैं, वो दिखाएंगे आपको वीडियो भी एक बार दिखाएंगे कि किस, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो जो गेट है गिरा और कितने समय गिरा। रात को बता दें आपको, तकरीबन 12 बजे का जो समय दिखा रहा है, 12 के बाद का ही समय है, 12 के बाद ही है। तो जो दिखा रहे, दिखाएंगे एक बार वीडियो, दिखाएंगे आपको नजदीक करके, और नजदीक करें, ये देख सकते हैं जो सामने आपको ये गाड़ी जाती हुई नजर आ रही है, इसी के पास आपको देखेंगे, गेट के पास ये मौजूद थे। ये देखो, ये जो गेट बंद किया, ये गेट बंद करते हैं और आप देखते हैं ये गेट बंद किया, और जैसे ही ये गेट बंद करते हैं तो ये जो ये गेट था, एक छोटा था और एक बड़ा था, तो जो बड़ा वाला है वो ये देखें, ये किस कदर बड़ा वाला गेट इनके ऊपर ही आके गिरता है और जिसके नीचे ये दब जाते हैं। लेकिन वहाँ उस समय कोई मौजूद नहीं था, अगर कोई होता तो हो सकता है कि चोट लगती और उठा लिया जाता तो शायद बच जाता, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं काफी समय हो गया था, कोई 4 घंटे बाद जैसा कि बता रहे हैं कि 2-3 घंटे हो गए थे, उसके बाद वहाँ जो पहुंचा होगा, जो साथी था उनका, सो रहा था वो पहुंचा होगा, तब उसने वहाँ देखा और उसने सूचना की, इनको सूचना दी, पुलिस को दी, जब उनको वहां से निकाला गया। लेकिन आप देख सकते हैं परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी परिवार हैं, और बहुत ही दुखद घटना है कि किस तरह से एक शोरूम के जो उनकी गलतियों की वजह से जो गेट है वो गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, इनको इंसाफ मिले, ताकि जो इनके अब जो बचे, इनके सर से साया उठ गया है, पिता का साया उठ गया है, तो अब जो घर परिवार बचा है उसको चलाने के लिए जो भी मदद हो सके वो मिले। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।